प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल के अशाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भूगोल शब्द 234 BC में इराटोस्थनीस द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। सामान्य तौर पर अपन भूगोल का अर्थ ये मानते हैं भू प्लस गोल। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब आकार, यानी कि पृथ्वी का जो आकार है उससे लेते हैं। लेकिन इसके जैसे शाब्दिक अर्थ के बारे में अपन बात करेंगे तो आप ये देखेंगे, इधर लैटिन भाषा में सर्वप्रथम किया प्लस ग्राफोस मिलकर ज्योग्राफी का शब्द का निर्माण किया गया था लैटिन भाषा में। उसके बाद आंग्ल भाषा में जी प्लस ग्राफी, जी का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, आंग्ल भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग ज्योग्राफिया, ग्राफिया पृथ्वी का वर्णन करना, इस शब्द का प्रयोग होने लगा। ये इनका लैटिन भाषा, आंग्ल भाषा और ग्रीक भाषा में किस तरीके से ज्योग्राफी शब्द का तोड़ के उसको प्रस्तुत किया, इस तरीके से बताया गया है। अब अपन शाब्दिक अर्थ के बाद में बात करते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या होगी। भूगोल की भिन्न भिन्न विद्वानों ने काफ़ी परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। कोई किससे अंतर संबंध करता है भूगोल को, कोई विद्वान किस चीज़ से अंतर संबंध करता है, किसी और विषय से अंतर संबंध करता है। लेकिन भूगोल की जो सर्वमान्य परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा के बारे में अगर बात करेंगे तो मैंने इसको टुकड़ों में इसमें दिखाया गया है। आप देखिए, पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षण, पृथ्वी की सतह पर जो भी क्षेत्रीय विविधता है, यो आप देखोगे पर्वत, पठार, मैदान, झील और समुंदर है और महाद्वीप हैं, महासागर, ये सारी चीज़ें ऐसे एक विविधता रूपी धारण की हुए पृथ्वी पर, जो अलग अलग रूपों में अपन को परिलक्षित होता है। कहीं पे मैदान है तो कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पर नदियों का निशान नहीं है, रेगिस्तान है बड़े बड़े क्षेत्रों में। इस तरीके से जो भिन्नता फैली हुई है उस आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी की सतह पर जो क्षेत्रीय भिन्नता रूपी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका, उन विविधता रूपी लक्षणों का अपन यथार्थतामूलक, क्रमबद्ध और तर्कसंगत तरीके से इनकी व्याख्या करने वाले विज्ञान को ही भूगोल कहते हैं। आप एक बार, मैं आपको और एक लैंग्वेज में, सटीक लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जिसको आप याद रख सकें, भूगोल पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रीय विविधता रूपी लक्षणों का यथार्थमूलक, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत व्याख्या करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा रिचर्ड हॉडसन ने दी थी, रिचर्ड हॉडसन ने, जो सर्वमान्य परिभाषा है। इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं भूगोल में। अब अपन ये माने क्षेत्रीय विविधता क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था। हालांकि अब जैसे अपन लेते हैं, देखो क्षेत्रीय विविधता, जैसे मान लो प्राकृतिक विविधता है, अब मैंने इसमें दर्शा भी रखा है प्राकृतिक विविधता, आर्थिक विविधता और जननायकी की विविधता। अब प्राकृतिक विविधता में क्या आएगा, प्राकृतिक विविधता में जैसे धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलराशि आदि, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब आप यदि आर्थिक विविधता के रूप में बात करोगे तो जैसे अपन देखो कृषि करते हैं, पशुपालन, खनिज उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सारी चीज़ें विविधता में, आर्थिक विविधता के रूप में आएंगी। अब अपन यदि जननायकी की विविधता के रूप में बात करेंगे तो जैसे जनसंख्या का घनत्व है, लिंगानुपात है, आयु वर्ग है, इस तरीके से ये बटे हुए हैं जो इनकी जननायकी विविधता को परिलक्षित करते हैं। तो इन सबका अध्ययन क्षेत्रीय विविधता में, ये सारी चीज़ें आती हैं, क्षेत्रीय विविधता में सारी चीज़ें आती हैं जो कि भूगोल में इनका एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है।
अब जैसे अन्य विद्वानों ने भी काफ़ी उन्हें भी अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हुई हैं। तो कोई जैसे कोई पूछ लिया कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक आकाश में देखता है, एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में जैसे आ गया कि पृथ्वी की झलक आकाश में देखता है, ये इस तरीके से भूगोल की परिभाषा किसने दी, तो ये टॉलमी ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है, ये भी भूगोल की परिभाषा है जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल का मानव की गतिविधियों के साथ अध्ययन ही भूगोल है, एक ये परिभाषा है। अब इसमें जब ये सारी चीज़ आ गई, स्थल, जल, वायुमंडल और ये तीनों के जो मध्य में है वो क्या, जैवमंडल, ये तीनों जिसमें सम्मिलित है, तीनों में जो सम्मिलित है जैवमंडल है। तो ये एक परिभाषा ये भी हो गई जिसमें पूरी पृथ्वी का वर्णन हो रहा है। अब एक ये है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन मानवीय संसार और मानवीय निवास के रूप में स्थानों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विविधताओं, वो वापस आ गया क्षेत्रीय विविधताओं, तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में करता है। किस में करता है अध्ययन भूगोल का, स्थानों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विविधताओं तथा स्थानिक संबंधों का की पृष्ठभूमि में इनका अध्ययन करता हूँ। अब इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे साधारण परिभाषा है जो रिचर्ड हॉडसन की है, जो मैंने आपको बताई थी, इसको दोबारा रिपीट मैं एक बार और कर देता हूँ जो आपको याद रहे, और वो आपको व्हाट्सएप पे भी आपको मैं प्रोवाइड हो जाएगी आपको पीडीएफ कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर, अब जैसे पृथ्वी है उसकी सतह पर क्षेत्रीय विविधता रूपी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो भी विविधता है, वो चाहे प्राकृतिक हो, आर्थिक हो, जनसांख्यिकी हो, सांस्कृतिक हो, कोई से भी क्षेत्र की हो, वो विविधताएं का यथार्थ मूलक क्रमबद्ध तरीके से और तर्कसंगत, तर्क यानी विज्ञान हो गया एक तरीके से, तर्कसंगत तरीके से व्याख्या करने वाला विज्ञान माना गया है भूगोल। ये इसकी परिभाषा है जो आपको कभी कंपटीशन में मान लो पूछ ले अपन कहीं जाएं तो ये पता होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई भूगोल क्या है, अरे आप जब भूगोल से जब मान लो आप एमए कर लोगे और फिर आपको ये नहीं पता कि भूगोल की परिभाषा क्या है, तो ये आपको इस तरीके से मैंने जो आपको बताया उस तरीके से समझा सकते हैं। आज की यही बहुत है, धन्यवाद।